बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की रहमत से खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। हर किसी की ख्वाहिश होती है हमारा कलर वाइट हो, खूबसूरत हो, बेदाग हो। तो इसके लिए आज मैं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्रीम आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि इस क्रीम को आप फेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और हाथों और पैरों को वाइट करने के लिए आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही फेमस है ब्रांड जिसकी मैं आज क्रीम लेके आई हूँ। तो आज मैं फिर अलमली वालों की क्रिस्टल ब्राइट ब्यूटी क्रीम लेके आई हूँ। ये अभी नई नई आई है, पहले ये काफ़ी बड़े जार में आती थी, लेकिन अब इसकी पैकिंग थोड़ी चेंज है। 260 इसकी प्राइस है और ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि फेयर एंड लवली वालों ने पहली दफ़ा दावा किया है एक वीक में ये कलर को वाइट करेगी। नहीं तो हमेशा इस क्रीम का ये होता था कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कलर को वाइट करती है, लेकिन इस बार इन लोगों ने इस चीज़ का दावा किया कि एक वीक के अंदर अंदर ये आपके कलर को वाइट करेगी। मेरे घर में ये क्रीम बहुत सालों से यूज़ हो रही है, जब नई पैकिंग में आती है फ़ौरन हमारे घर में ये आ जाती है। तो मैंने ये इसे परचेज़ किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए इस पर वीडियो बनाऊं कि क्योंकि ये क्रीम है बहुत अच्छी, इसका किसी किस्म का स्किन पे नुकसान नहीं होता, ये कलर को वाइट भी करती है और चेहरे के ऊपर से दाग धब्बों को ख़त्म करती है। और इस क्रीम को आप दो टाइम यूज़ कर सकते हैं, एक तो आपने ये क्रीम लगानी है, साथ में आपने फेयर एंड लवली वालों का ये फेस वॉश यूज़ करना है। ये भी कलर को वाइट करता है, चेहरे के ऊपर से दाग धब्बों को ख़त्म करता है। इसमें मल्टी विटामिन्स ऐड किए गए हैं इस फेस वॉश में, चेहरे को वाइट करने के लिए और चेहरे के ऊपर से दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए। इस फेस वॉश के साथ आप दिन में 3 टाइम चेहरे को वॉश कर सकते हैं और इस क्रीम को 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फेस के लिए आपने इस क्रीम को ऐसे यूज़ करना है, लेकिन हाथों और पैरों के लिए कैसे यूज़ करना है वो आपने इस क्रीम को अकेले नहीं लगाना, ठीक है। उसके लिए आपने लेने हैं वाइटनिंग के कैप्सूल्स, ये 4 आपने लेने हैं, ठीक है। फेस के लिए आपने अलग क्रीम रख लेनी है और हाथों और पैरों के लिए आपने अलग बना लेनी है। 4 कैप्सूल्स इसमें ऐड कर लेने हैं, अच्छे से मिक्स करके तो इस क्रीम में आपने रख लेने हैं हाथों और पैरों के लिए। मैं फेस के लिए नहीं कह रही, फेस के लिए खाली ये क्रीम लगाना ही काफ़ी है। बहुत सालों से ये चली आ रही है क्रीम, इसके बारे में कुछ भी आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि हमारे स्किन के ऊपर ऑयल आ गया, पिंपल्स हो गए या कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो इस क्रीम को आप 2 टाइम लगा सकते हैं, सुबह और शाम, ठीक है। और साथ में आप लोगों ने सिर्फ फेयर एंड लवली वाला फेस वॉश यूज़ करना है और 10 से 15 दिन में आपको आपके कलर में वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। और हाथ और पैर तो बहुत सारे लोग उसे तो नज़रअंदाज कर देते हैं ना कि हाथों और पैरों की खैर है, तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें। हाथों और पैरों के लिए आप वाइटनिंग के ये कैप्सूल ऐड करें, क्रीम में मिक्स करें और सुबह शाम लगाया करें। हाथों और पैरों के लिए ये है कि आप हाथों और पैरों को वीक में एक बार या 15 दिनों में एक बार हाथों और पैरों को ब्लीच ज़रूर किया करें, क्योंकि हाथों और पैरों ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा डर्ट जमी हुई होती है, जो आम साबुन जब आप लगाते हो या फेस वॉश लगाते हो हाथों और पैरों से नहीं उतरती, ठीक है। एक तो आप वीक में एक बार ब्लीच कर लिया करो और दूसरा जब भी आप ये क्रीम अप्लाई करो आप नीम गर्म पानी के साथ अपने हाथों और पैरों को अच्छे से वॉश किया करो और फिर इस क्रीम को लगा के हल्का हल्का मसाज करके आप सो जाएं, ठीक है। सुबह उठ के फिर नीम गर्म पानी के साथ अपने हाथों और पैरों को वॉश करके इस क्रीम को लगाएं। तो जैसे मैंने बताया आप 10 से 15 दिन ऐसे ही अपने फेस पे भी क्रीम लगाओ तो आपको देखिएगा वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। हाथों पैरों पे जैसे मैंने बताया बिल्कुल ऐसे ही आप अप्लाई करो तो देखिएगा आपको कैसा ज़बरदस्त रिज़ल्ट कुछ ही दिनों में मिलेगा। वैसे भी फेयर एंड लवली क्रीम पाकिस्तान और इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना, कोई मुश्किल से घर एक ऐसा होगा जिसमें ये क्रीम इस्तेमाल नहीं होती। और इसके रिज़ल्ट के बारे में तो सबको ही पता है कि ये क्रीम कितनी ज़बरदस्त है। तो आप इसे लाओ, आप इसे यूज़ करो और इसका रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्रीम को कैसे लगाना, लगा के हल्का सा मसाज करेंगे क्रीम आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फेस वॉश को जब आपने लगाना है चेहरे को हल्का सा गीला करके ना, तो हल्का हल्का सा मसाज ज़रूर किया करें, 1 से 1 या 2 मिनट, फिर अपने चेहरे को वॉश किया करें, ठीक है। ये नहीं 1 सेकंड में लगाया और फेस वॉश को अपने चेहरे से उतार दिया, फिर आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। 1 मिनट के लिए लगा के ना हल्का हल्का सा मसाज किया करें चेहरे के ऊपर, ताकि जितनी भी डर्ट ऑयल आपके चेहरे के ऊपर है वो निकल जाए, ठीक है। तो आप इस क्रीम को लाएँ, इस्तेमाल करें और इसका रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जैसे मैंने बताया कि आपको ऐसा इसका रिज़ल्ट मिला।
और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट थी कि मेरा कुकिंग का चैनल है सलमा अंसारी कुकिंग के नाम से, प्लीज़ आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को नहीं किया अभी तक तो इसको भी करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।